बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम भुना गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। भुना गोश्त बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है, तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। हमने यहाँ पर 3 प्याज को पतली कट करके ले ली है, 2 टमाटरों को कट कर लिया, हरा धनिया लिया है, 1 टीस्पून शाह जीरा, दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंग, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 तेज़पत्ते, और यहाँ पर हमने गोश्त ले लिया है, उसे धोकर ले लेना है। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक, इन सब चीज़ों को लेके अब एक कुकर ले लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करते हुए ये मसालों को शामिल कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा तड़कने देना है और फिर इसमें हम ये पतली कट की हुई प्याज शामिल कर लेते हैं। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। सारा मज़ा ये भुना गोश्त का ये प्याज में ही है, तो हमें इसे अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन कर लेना है, जैसे हम बिरयानी के लिए प्याज फ्राई करते हैं उस तरह से। अब यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, उसे थोड़ा सा भून लेते हैं और ये जो हमने मसाले निकाल के रखे थे वो उसमें शामिल कर लेते हैं। हरा धनिया, टमाटरों को भी शामिल करके इसे अच्छे से भून लेना है हमें। टमाटर पूरे घुल जाने चाहिए, इतना भून लेना है। ये देखिए यहाँ पर अब 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर शामिल कर लेते हैं और इसे अच्छे से भून लेना है। अब इसमें हम ये गोश्त शामिल कर लेते हैं। गोश्त को मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है, आप इसमें मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इसे अच्छे से भून लेना है, 2 गिलास पानी इसमें शामिल कर लेना है और इसे कुकर की लिड को बंद करके 4 से 5 मिनट हमें फुल फ्लेम पर 6 सीटी लगा लेनी है। फिर इसे हमें लो फ्लेम पर रख के 10 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पर भुना गोश्त बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।